गाइस, दिस इज कुशाग। वेलकम टू कुशाग सेंटर फॉर एक्सीलेंस। सो गाइस, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले गाइस क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी गाइस चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो गाइस आज हम पढ़ेंगे गाइस, ये सेकंड चैप्टर है गाइस क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी का गाइस। सो गाइस, हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले क्लियर कर चुके हैं। तो गाइस ये है पार्ट 3, चलिए शुरू करते हैं हम पार्ट 3 को। सो गाइस देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं इस पार्ट 3 में फर्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं गाइस हम। फर्स्ट टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। सो गाइस, फिजिकल चेंज क्या होते हैं? देखिए, फिजिकल चेंज में क्या होते हैं गाइस? फिजिकल चेंज वो चेंज होते हैं जो क्या होते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं गाइस? रिवर्स हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। चलिए, तो फिर सेकेंड देखिए, ये जो होते हैं गाइस फिजिकल चेंज जो होते हैं गाइस, ये फिजिकल चेंज के जो होते हैं गाइस, इनसे कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनती। इनसे क्या जो सब्सटेंस है वो ही रहती है, जब भी वो रिवर्स हो जाते हैं जब भी वो ही सब्सटेंस रहती है। तो गाइस एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस, चलिए तो इस एग्जांपल से क्लियर करते हैं गाइस। देखिए, मेल्टिंग ऑफ आइस यानी कि आइस का पिघलना। देखिए देखिए, जब आप क्या करते हैं, वाटर को क्या करते हैं, कूलिंग करते हैं तो आइस बन जाती है। आइस को क्या करते हैं, हीटिंग करते हैं तो क्या बन जाती है गाइस, वाटर बन जाता है। सो गाइस, ये कोई इसमें न्यू सब्सटेंस नहीं बन रही है और ये क्या हो जा रहा है गाइस, रिवर्स हो जा रहा है गाइस, हो जा रहा है रिवर्स। सो गाइस, इसे कहते हैं हम फिजिकल चेंज। अब आता है गाइस केमिकल चेंज क्या होते हैं। केमिकल चेंज क्या होते हैं गाइस, जो चेंज क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, जो इरिवर्स होते हैं गाइस, रिवर्स नहीं होते, इरिवर्स होते हैं। तो गाइस उन चेंज को हम कहते हैं केमिकल चेंज। और ये क्या होते हैं गाइस, इनसे क्या बनती है, एक न्यू सब्सटेंस बनती है। क्या बनती है, एक न्यू सब्सटेंस बनती है गाइस। चलिए इसे भी एग्जांपल से क्लियर करते हैं। तो गाइस देखिए, बर्निंग ऑफ वुड यानी कि लकड़ी का जलना, बर्निंग ऑफ वुड। जब देखिए अब वुड जलती है तो क्या होता है, कोल आता है, कोल निकलता है गाइस, कोल निकलता है। तो गाइस क्या होता है, देखिए जब कोल निकलता है उसमें से, तो कोल क्या है, एक न्यू सब्सटेंस है और कोल से हम दोबारा क्या बना, वुड बना नहीं सकते। सो गाइस इसलिए ये होता है केमिकल चेंज। सो गाइस, फिजिकल चेंज केमिकल चेंज आपको क्लियर हो गया गाइस। सो गाइस फिर आता है देखिए टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। सो गाइस, हमने प्योर सब्सटेंस पार्ट 1 में पढ़े थे गाइस। सो गाइस, अब तो ये है प्योर सब्सटेंस के टाइप। सो गाइस देखिए प्योर सब्सटेंस के 2 टाइप होते हैं। एक होता है गाइस एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड। गाइस एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट देखिए, एलिमेंट में क्या होता है गाइस, एलिमेंट जो होते हैं ये क्या करते हैं, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय केमिकल रिएक्शन। ये क्या होते हैं, ये ब्रोकन डाउन नहीं होते हैं बाय केमिकल रिएक्शन से, केमिकल रिएक्शन से ब्रोकन डाउन नहीं होते हैं गाइस, इसे कहते हैं हम एलिमेंट्स। गाइस एग्जांपल कॉपर, आयरन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मरकरी, ईटीसी, और भी बहुत से एग्जांपल होते हैं गाइस। गाइस देखिए, अब ये जो होते हैं ये गाइस डिवाइड है इनटू मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। गाइस देखिए, मेटल क्या होता है, फर्स्ट हम पढ़ने आ रहे हैं मेटल क्या होता है। चलिए तो देखते हैं मेटल क्या होता है। देखिए मेटल क्या करता है, शाइनी होता है यानी कि ये चमकीला होता है, चमक देता है हमें। गाइस फिर देखिए, दे आर डक्टाइल, ये क्या होता है, डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल यानी कि इनमें क्या होता है, इसमें वायर्स लग जाते हैं, इनके क्या होते हैं, इनके वायर्स होते हैं। गाइस फिर देखिए, द कलर, इसका जो कलर होता है, दे आर सिल्वरी ग्रे एंड गोल्डन येलो कलर। इनका कैसा होता है, सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर होता है गाइस इनका, ये जो होता है हमारे मेटल जो होते हैं। सो गाइस अब देखिए, जो अब तो मेटल जो होता है, मेटल के एग्जांपल क्या क्या होते हैं, देखिए गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, ये सब गाइस एग्जांपल हैं मेटल के। क्योंकि आप देखते होंगे कॉपर के वायर्स होते हैं, आयरन के वायर्स होते हैं, एल्यूमिनियम के वायर्स होते हैं, गोल्ड सिल्वर शाइनी करते हैं गाइस। सो गाइस ये एग्जांपल थे मेटल के।
गाइस फिर देखिए नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है गाइस, दे आर नॉट शाइनिंग, ये क्या होते हैं, शाइनिंग नहीं होते हैं, चमकीले नहीं होते हैं, मीन्स चमक नहीं देते हैं, सो गाइस नॉन मेटल। गाइस फिर देखिए दे आर नॉट डक्टाइल, ये क्या होते हैं, डक्टाइल नहीं होते हैं, मतलब कि इनके कोई भी वायर्स नहीं होते हैं। गाइस फिर देखिए कि दे डिस्प्ले ए वैरायटी ऑफ कलर, इनके बहुत सी वैरायटी है कलर्स की, सो गाइस एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल के एग्जांपल। गाइस देखिए ये क्या होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, गाइस ऑक्सीजन हाइड्रोजन और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं इसके, जो वाटर लाइक गाइस ऐसे ही नाइट्रोजन और भी आयोडीन कार्बन, ये सब एग्जांपल है गाइस किसके, गाइस ये एग्जांपल है हमारे नॉन मेटल के। अब आता है गाइस मेटलॉइड, मेटलॉइड क्या होता है मेटलॉइड में आप देखते होंगे कि मेटलॉइड क्या होता है, सम एलिमेंट इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल आर कॉल्ड मेटलॉइड। ये क्या होता है, मेटलॉइड जो होते हैं गाइस, इन ये क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट होते हैं जो तो कुछ प्रॉपर्टी होती है इसकी मेटल की, कोई कुछ प्रॉपर्टी होती है नॉन मेटल की, इसे कहते हैं हम मेटलॉइड। गाइस एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन, गाइस ये एग्जांपल थे कुछ गाइस जो मैंने आपको बता दिया, और भी बहुत सारे होते हैं गाइस। सो गाइस ये सब क्या है, एलिमेंट्स है। सो गाइस हमने एक टाइप क्लियर कर लिया गाइस प्योर सब्सटेंस का। गाइस सेकंड टाइप क्या है, कंपाउंड। गाइस कंपाउंड भी क्या होता है, कंपाउंड देखिए जब कोई भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स क्या करते हैं, कंबाइंड करते हैं केमिकली कंबाइंड करते हैं, उसे हम कहते हैं गाइस, उसे हम कहते हैं कंपाउंड। क्या कहते हैं गाइस, कंपाउंड। और ये क्या होते हैं गाइस, ये सेपरेट नहीं होते हैं गाइस फिजिकली, ये क्या होते हैं, केमिकली सेपरेट होते हैं। सो गाइस फिर देखिए ये जो होता है हमारे कंपाउंड जो होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, ब्रोकन डाउन हो जाते हैं बाय केमिकल रिएक्शन से, ये ब्रोकन डाउन हो जाते हैं कंपाउंड, और एलिमेंट्स हमारे ब्रोकन डाउन नहीं होते। गाइस ये तो हमने गाइस अब देखिए एग्जांपल क्या क्या होते हैं गाइस, देखिए कंपाउंड के गाइस देखिए क्या क्या होते हैं, वाटर होता है, सॉल्ट होती है गाइस, और शुगर भी होती है, मिथेन होता है गाइस, मिथेन। गाइस ये सब एग्जांपल हैं गाइस किसके, ये कंपाउंड के एग्जांपल थे। गाइस फिर देखिए कि हमने जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ा था, हमने मैटर पढ़, फर्स्ट चैप्टर में तो हमने मैटर के बारे में पूरा डिस्कस करा था, मैटर में पढ़ी थी सॉलिड लिक्विड गैस सब पूरी क्लियर करनी थी। गाइस फिर क्या पढ़ा था हमने सेकंड चैप्टर में, हमने पढ़ा मैटर के बारे में, मैटर में हमने पढ़ा सेकंड चैप्टर में प्योर सब्सटेंस गाइस, और फिर पढ़ा मिक्सचर पढ़ा था, प्योर सब्सटेंस पे हमने पढ़े थे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, और गाइस मिक्सचर में हमने पढ़े थे होमोजीनियस मिक्सचर, हेटरोजीनियस मिक्सचर। गाइस देखिए हमने पूरा मैटर कवर करा है इन दोनों चैप्टर्स में। गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो, तो गाइस हमारा पूरा सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। सो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, गाइस बाय।